हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम गार्डन वर्क। में सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में सबसे अधिक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट हिबिस्कस, जो कि कई वैरायटी में आता है। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट ये येलो कलर का हिबिस्कस का। दोस्तों, ये साल भर फ्लावरिंग अच्छे से करता रहता है। और दोस्तों, इसके पौधा हमारा करीब 2 साल से इसी पोट में लगा हुआ है। अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जब हमें इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेना होता है दोस्तों, तो ये देखें, इस ब्रांचों को हम ऊपर से कट कर देते हैं। ऐसे ऐसे कट करने के बाद जब नई नई शूट्स निकलती हैं, तो उन्हीं ब्रांचों में दोस्तों ये फ्लावर बनते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे गुच्छों में फ्लावर आए हुए हैं और बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये जो सूखे फ्लावर हैं, इनको आपको हटा देना है। इस तरीके से सारे सूखे फ्लावरों को हटा देना है, और सूखी पत्तियों को और जो सूखी ब्रांचें हैं उनको भी हटा देना है। तो इससे क्या होगा, आपका पौधा में कोई रोग नहीं लगेगा, ना कोई टहनियाँ सूखेगी। तो इस तरीके से इसको आपको केयर करना है। दोस्तों, आज इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं। जैसे कि ये फर्टिलाइज़र है, हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। जैसे कि आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज हम ये फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ कि आपके पौधे में अवश्य ग्रोथ होगी और उसमें फ्लावर भी बनेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र आप देख लें, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो दोस्तों, हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो पहले पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मिट्टी इसकी सख्त हो गई है। थोड़ा थोड़ा इसकी रूट को खोल लेते हैं। तो इस तरीके से, ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करना है, बस हल्का हल्का इस तरीके से। और दोस्तों, आपको क्या करना है, ये वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट ले लें, चाहे तो आप काउडंग कंपोस्ट ले लें। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस प्लांट में डालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे ये सरसों की खली, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है। और उसके बाद हम आपको नीम खली डालना है। ये देखें, नीम खली, नीम खली पौधे में ज़रूर डाला करें, क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस बहुत तेज़ी से लगता है। तो ये नीम खली आपके पौधों के फंगस को बचाएगी। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको इसमें मिट्टी के साथ खाद जो आपने मिलाया है उसको मिक्स कर देना है। और अच्छे से आप कर दें पानी, वाटरिंग कर दें। तो अच्छे से इसको वाटरिंग हम कर देंगे। दोस्तों, महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र आपको देना ही देना है, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होता है, क्योंकि इसमें खाद की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए से खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें पोटेशियम भी देना है, जैसे कि केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें आप इस थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। जब आपको फ्लावरिंग ना दे रहा हो पौधा, तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और गर्मी में अगर सरसों खली आप डाल रहे हैं, तो बहुत पतला डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और दोस्तों, इसमें हिबिस्कस में बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर होते हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। तो ये येलो कलर का हिबिस्कस दोस्तों बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसकी कटिंग दोस्तों बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस कटिंग को हमने दोस्तों 1 महीने पहले लगाया था, और ये हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग है। आप कटिंग लेने के लिए दोस्तों पेंसिल के बराबर आप कटिंग लें, और सीधा दोस्तों आप क्या करें, नॉर्मल मिट्टी में आप इसको कटिंग लगा के आप इसको कवर कर दें पॉलीथीन से, ताकि मॉइस्चर उसमें बना रहेगा, तो कटिंग आसानी से जल्दी ग्रो हो जाएगी और आपको एक नया पौधा मिलेगा। और दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो हिबिस्कस में दोस्तों अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए दोस्तों इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। तो ये येलो कलर के हिबिस्कस है हमारे दोस्तों, ये करीब 2 साल से इसी पोट में लगा हुआ है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है दोस्तों। इसमें जब दोस्तों मिली बग का अटैक हो, तो इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करें दोस्तों। इसे पूरे दिन की सनलाइट देना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना है।